हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हाइड्रोलिक टिप्स में आप सभी का वेलकम है। कैट ग्रेडर 120K2, इसमें हाइड्रोलिक पंप में मिस्टेक आ रहा है। जैसे सर्कल हम उठाते हैं तो कंप्रेसर जैसे आवाज़ करता है। चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कैसी आवाज़ है। जैसे सर्कल हम उठाते हैं तो कंप्रेसर जैसे आवाज़ करता है पंप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्रेसर जैसे आवाज़ आ रहा है। कंप्रेसर जैसा मोटा आवाज़ है तो हम अभी इसको साइड वाले पंप का प्लेट खोल के देखेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। चलिए हमने बंद कर दिया, अब चेक करते हैं इसको। देखिए ये हमने हाइड्रोलिक काट दिया इसका, 50 लीटर आता है इसमें। हम इसका मेन पाइप खोल दिए हैं। खाता तो है, इतना बड़ी बड़ी बात है, चलता है इतना। चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है पंप में, इसमें 3 वोल्ट लगे हैं। इतना खाता है तू, 10 के वोल्ट हैं इसमें। तो चलिए हम इसको जल्दी ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। जैसे स्टार्ट करने पे हम सर्कल चलाते हैं या प्लेट चलाते हैं तो कंप्रेसर जैसे पंप आवाज़ करता है, लोड भी नहीं ले रहा था। दोस्तों और भी वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं मशीनरी के बारे में, आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कीजिए। थोड़ा देख, हाँ चालू, सेल्फ स्टार्ट कर। चलिए हम ये प्लेट को थोड़ी चोट मारेंगे, तेल निकल जाएगा। चलिए प्लेट काट लिया हमने, राड लिया, राड से वो कपलिंग पे लगा के सापड़ पे घुमा थोड़ी। ये पंप को घुमा के हम देखेंगे इसमें क्या, पिस्टन तो कोई ख़राब नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये पिस्टन एक किसका टूट गया है। ये एक पिस्टन इसका टूट के निकल गया है इसमें, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। चलिए हम और घुमा के सारी चेक कर लेते हैं। तो हमने घुमा के सारा एक राउंड घुमा के देख लिया इसको, इसका एक पिस्टन में प्रॉब्लम है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, पंप खोलना पड़ेगा। दोस्तों हम इसको फिटिंग कैसे करेंगे, पंप खोलेंगे कैसे, आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए हमने इतनी वीडियो डाली है, इसका पूरा वीडियो डाल देंगे हम खोलने का और फिटिंग करने का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।